हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे हरे छोले की सब्ज़ी। इसको हम लोग इस तरह से, इसमें आता है ये, और इस तरह से निकाल के, ये देखिए इसके अंदर से हरा छोलिया निकलेगा और हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। ये जो छोलिया है, छोलिया हम लोग पंजाबी में बोलते हैं, आप हरा छोलिया बोलें या कुछ भी बोलें इसको, लेकिन ये एंड ऑफ सर्दी में बहुत कम टाइम के लिए आता है। ये देखिए इस तरह से मैंने निकाल के ये रख लिया है और अब मैं आपको बताऊंगी कैसे इसकी सब्ज़ी बनानी है। पैन में मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून। इन्हें ये तेल बहुत अच्छे तरह से जल चुका है। अब मैं इसमें, ये मैंने ली है उड़द की दाल की बड़ी थोड़ी सी, ये बहुत थोड़ी सी ली है सिर्फ फ्लेवर चेंज करने के लिए। थोड़ा सा लहसुन 3 से 4 क्लोव्स और एक बड़ा प्याज फाइन चॉप करके मैंने काटा है। आप इसको चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। और 2 बड़े टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मैं सबसे पहले बड़ियाँ डालूँगी। बढ़िया हल्की सी, ये हल्की सी फ्राई हो जाएंगी जब, तो इसमें मैं लहसुन डाल दूँ। लहसुन को ज़्यादा लाल नहीं करना है, साथ के साथ ही हमने प्याज भी डाल देना। प्याज हम अच्छे से भूनेंगे, लाइट ब्राउन के हमने प्याज करने हैं इसमें, ज़्यादा नहीं भूनने। भूनने तो हैं, बस ये है कि पिंक से ज़्यादा करना है। प्याज जब पिंक हो जाए, इसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, इसे डाल दीजिए अच्छे से हिला के। प्याज भूनेंगे, प्याज जल्दी गल जाए जिस उसके लिए हम इतना सा नमक डालेंगे। पहले इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही बनाना है, ना बहुत धीरे ना बहुत तेज़। ऐसा करने से क्या होगा, प्याज जल जाएंगे और फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा सब्ज़ी का। इनको भूनते भूनते हिलाते ही रहना हमने, क्योंकि साइड में, जहाँ पे तेल के साइड में जो भी प्याज आएंगे, फिर उनका कलर चेंज हो जाएगा और बिचौले रह जाएंगे। प्याज का कलर काफ़ी काफ़ी चेंज हो चुका है, बस अब थोड़ी सी देर है जैसे लाइट ब्राउन होने में। आप देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, पिंक से ज़्यादा हो चुके हैं थोड़े से, बट अभी ब्राउन नहीं हुए, हल्के से ब्राउन करने हैं। लहसुन तो हो चुके हैं इसके अंदर ब्राउन, देखिए। नमक डालने के बाद थोड़ी सी इसकी भुनने की स्पीड, गलने की स्पीड तेज़ हो जाती है। हालांकि मैंने गैस बिल्कुल सिम पे की हुई है फ़िलहाल, जिससे कि ये जले ना। अब इस स्टेज पे मैं मसाले डालूंगी इसमें। नमक जितना डाला हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं बाकी का नमक डालूंगी, जितनी मुझे सब्ज़ी बनानी है। हल्दी, मिर्च, आपकी मिर्च तेज़ है, तीखी है, हल्की है, जिस हिसाब से भी है उस हिसाब से डाली। धनिया कुटा हुआ, ये सब मिला के अब मसाले में, इस प्याज में अच्छे से रोस्ट करूँगी। मसाले जब तक प्याज में अच्छे से रोस्ट ना हो तो सब्ज़ी में फ्लेवर अच्छा नहीं आता। टमाटर डालने से पहले इसे 5 मिनट ज़रूर पकाएं। 5 मिनट का टाइम ना हो तो कम से कम 1 या 1.5 मिनट तो ज़रूर पकाना चाहिए इसे। आप ये देखिए कितना अच्छा कलर अब आ गया है सब्ज़ी का के अंदर। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर मैंने 2 बड़े बड़े ग्राइंड किए हुए हैं और इसके अंदर ही मैंने 2 हरी मिर्च भी ग्राइंड कर ली थी। अब ये मसाला अच्छे से भून जाएगा जब, और इसका घी बाहर आ जाएगा, जो हमने तेल डाला है सरसों का वो छूट जाएगा टमाटरों में से, तो हम इसमें छोलिया मिलाएंगे। मैं बना रही हूँ छोलिया पनीर की सब्ज़ी। जैसे ही टमाटर का पानी सूखेगा तो घी बाहर आ जाएगा। देख लीजिए, होने ही वाला है, देख लीजिए पानी इसका ऑलमोस्ट सूख चुका है। तो इसमें हम छोले डालेंगे हरे वाले और इसे भूनेंगे मसाले के साथ। मैंने बड़ी वाली आधी कटोरी ये छोले लिए हैं,
हम इसको थोड़ी की लटपटी सी ग्रेवी बनाएंगे इसकी। अब मैं इसमें ये देखिए ना, घी छूट गया है इसका मसाले का। अब मैं इसमें इसको डाल दूँगी और इसको मसाले के साथ भूनेंगे हम। देखिए भून रहा है मसाले के साथ। जब हम इसको वैसे तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी हो तो आप इसको विसल भी दे सकते हैं। एक विसल में ये इतने कच्चे होते हैं, जैसे आप एक विसल में बना सकते हैं। अभी देखिए छोले का दाना, सॉरी देखिए अभी छोले का दाना देखिए, ये ऐसे टूट जाता है। तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलने में। ये देखिए ये भून रहा है, बस इसमें मैं पानी डालूँगी। छोलिया मसाले में अच्छे से भून गया है, अब इसमें मैं पानी डालूँगी। इतना ही पानी डालना है हमने, क्योंकि जब हम इसमें पनीर डालेंगे तो ये लटपटी सी हो जाएगी। बस इसे कुकर को हम बंद करके एक विसल दिलवाएंगे इसके बाद। और अब इसके बाद मैं इसको गैस ऑफ कर दिया मैंने। गैस ऑफ करके अब जैसे ही इसकी स्टीम निकलेगी, हम इसको खोल के इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर मैंने देखिए ऐसे में काट लिया है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं काटा है मैंने। आप चाहें तो किसी भी तरह से काट सकते हैं। मैंने इतनी छोटी छोटी सी क्यूब में डाला है, छोटी छोलिया भी छोटा है इस वजह से। कुकर की पूरी स्टीम निकल चुकी है, इसे खोलूँगी अब मैं। देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है। अब मैं गैस दोबारा ऑन करूँगी और पनीर के साथ एक उबाला दूँगी इसका। पनीर मैं इसमें कच्चा ही डालती हूँ, आप चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको फ्राई भी कर सकते हैं। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने क्यूब्स में, छोटी क्यूब्स में काटा है। अब मैं गैस ऑन करके एक उबाल दूँगी, बस सिर्फ एक बॉयल के बाद ये हमारी लटपटी सी छोलिया और पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। और इसके साथ साथ ही मैं थोड़ा सा धनिया भी ऐड करूँगी। देखिए मैं इसको अब आपको बाउल में शिफ्ट करके दिखाती हूँ। देखिए सब्ज़ी में बॉयल आ गया है। गैस मैं ऑफ़ कर रही हूँ और इसको मैं बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। मेरे छोले और पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। लटपटी सब्ज़ी बनाइए और ज़रूर टेस्ट कीजिए इसको बना के, बहुत टेस्टी बनती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।